अवेंजर्स, मिलिट्री गार्ड्स, अब समय आ चुका है आक्रमण। तो भाई आज GTA 5 में होने वाली है भाई वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि भाई एलियंस ने भाई सारी हदें पार कर दी और हमारे दोस्त फ्रैंकलिन को भाई मुसीबत में डाल दिया है, मतलब उनको किडनैप कर दिया है। तो ये रही हमारी भाई वॉर की टीम और सामने है भाई एलियंस, मिलिट्री वर्सेस एलियंस होने वाला है आज। इसलिए आज हमारे साथ है मिलिट्री और उसके कुछ टकले गार्ड्स और मिलिट्री कर्नल भी हमारे साथ जो अभी बीड़ी फूंक रहे हैं। ओके, तो हम एलियन से लास्ट बार भाई प्यार से बात करके कह देते हैं कि भाई फ्रैंकलिन हमें लौटा दो वरना हम तुम्हें भाई लोटा फेंक के मारेंगे। ड्राइवर को भी साथ में ले जाते हैं तो थोड़ा क्या मतलब उनको थोड़ा डर रहेगा ड्राइवर का। भाई दूर से मेरे को इतने सारे एलियंस दिख रहे थे पर पास आके भाई एकदम चुल्लू भर एलियंस से कुछ ज़्यादा है भी नहीं। तो यार सबसे पहले तो हमारे दोस्त फ्रैंकलिन का पूछना पड़ेगा कि वो कैसी सिचुएशन में है, तो पूछ लेते इसको एक बार। भाई ये काले ने ऐसा जवाब दिया है कि भाई मेरे को एक मुक्का मारने का मन कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुमसे जो वो कर लो फ्रैंकलिन तो तुम्हें नहीं मिलने वाला और हम जितने एलियंस तुम्हें दिख रहे हैं उससे कई ज़्यादा है, मतलब और आने वाले एलियंस और पीछे जो भी शिप्स दिख रही है वो सबकी सब शिप्स में एलियंस ही एलियंस हैं। तो अभी मेरे को ड्राइवर को निकलना पड़ेगा। भाई पीछे ड्राइवर आ रहे हैं, पता चले भाई वो अकेला ही सबको फोड़ने लग गया, आधा वैसे भी पागल है। ओके, तो अब समय आ गया भाई इस एलियंस का गेम बजाने का और भाई उनका माथा फोड़ने का। और भाई ये मिलिट्री कर्नल की भाई बीड़ी कब ख़त्म होगी। ओके, तो अब टाइम आ गया है भाई आक्रमण बोलने का, वॉर को शुरू करने का। तो सब तैयार हैं, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पकड़ लो। वो पोजीशन में खड़े, वो ये क्या ब्लास्ट हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 आक्रमण। स्वागत तो करो हमारा। ये कैसी आवाज थी। तो यार अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई साक्षात अवेंजर्स हमें भाई हेल्प करने के लिए आए, हमको भाई मदद करने के लिए आए यहाँ पे। अभी भाई एलियंस का बैंड बजेगा। ओके, हम सब रेडी है भाई अभी आक्रमण बोलने के लिए। ओ भाई ये खराब हमें कैसे बोल रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अवेंजर्स, मिलिट्री गार्ड्स, आज का ये युद्ध बहुत खास होने वाला है। हमें हमारे दोस्त फ्रैंकलिन को बचाना है और लॉस सैंटोस को भी हमें बचाना है ये नीले रंग के ग्रीन कलर के मेंढकों से। भले ही वो हमसे ज़्यादा हैं पर हमारे साथ अवेंजर्स हैं जिन्होंने थानोस को मार गिरा है, तो एलियंस तो क्या ही चीज़ है। तो मिलिट्री गार्ड्स, ये खून की उल्टी किसने की यहाँ पे। अवेंजर्स और ड्राइवर भी, उसको अलग से बोलना पड़ता है। पूरी भाई सेना को मैं बोल रहा हूँ आक्रमण। भाई ये जितने एलियंस अभी दिख रहे थे उससे कई ज़्यादा हो गए एलियंस और भाई पूरी की पूरी भाई मैगजीन उनके भाई भेजे में डाल दो तब ये जाके मरते हैं और भाई एकदम गायब हो जाते हैं। भाई मरते भी नहीं है ये, देखो मैं इसको मारूंगा और ये एकदम से गायब हो जाएगा। भाई मेरे बॉम्ब प्रूफ और मतलब ग्रेनेड प्रूफ और फायर प्रूफ मैंने मतलब पूरा पहना हुआ है सूट, इसलिए भाई मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, पर यार ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएगा। और भाई मिलिट्री भी हमारा भाई तगड़ा साथ दे रहे हैं। एवेंजर्स किधर है भाई। भाई ये लोग ऊपर UFO से आ रहे हैं, ये लोगों ने भाई एक UFO बुलाई है उनके प्लैनेट से और भाई वो आते ही जा रहे हैं, बस ख़त्म ही नहीं हो रहे। भाई बहुत गंदा वाला मेरे को डैमेज पड़ा। बट ड्राइवर कवर में भाग। भाई मेरे को यहाँ पे कवर में आना पड़ेगा, बहुत ही गंदा वाला सूट मेरा डैमेज हुआ है। और यहाँ पे देखो एलियंस ही एलियंस हैं और भाई टैंक्स की तो भाई मतलब ऐसे टैंक्स तो भाई मिलिट्री वाले ऐसे फोड़ रहे जैसे भाई दिवाली ना हो, मतलब अच्छी बात है वैसे तो, मार गिरा रहे सबको भाई साहब। हमें मेरे को अभी आयरन मैन दिखा था, आयरन मैन भाई विस्फोट कर रहा है उनकी शिप और UFO को भाई डिस्ट्रॉय कर रहा है आयरन मैन। ओके, हल्क बाबा आ गए हमारे। ओ भाई हल्क के पास भी भाई यहाँ पे सुपर पावर्स हैं और भाई वो एलियंस की भाई एकदम कीमा बना रहा है, एकदम भाई बुर्जी बड़ा पाँव जो भी बोल लो सब भाई एलियंस का बन जा रहा है यहाँ पे। और भाई हल्क के पास भी यहाँ पे सुपर पावर्स आ चुके हैं थोड़ी बहुत। और ये देखो भाई एकदम भाई एलियंस का तो भाई वाट लगा दी भाई हल्क ने। ये भाई हमारे टोनी भाई आ गए। ओके, मैं भाई कवर में लेते लेते सबको देख रहा हूँ यहाँ पे। भाई साहब भाई आयरन मैन के पास बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी है भाई, मतलब भाई सब एक ही झटके में सब जल रहे हैं। देखो सिर्फ एक चुटकी बजाई और सबके सब जल गए ये देखो। ओ भाई
पावर शायद मेरे को भी चाहिए। मैं भाई आयरन मैन शायद से भाई यूएफओ डिस्ट्रॉय करने जा रहा है अभी ऊपर। भाई नीचे तो भाई सबको भाई बाकी एवेंजर्स देख रहे हैं, ऊपर भाई आयरन मैन जा रहा है मेन भाई यूएफओ को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देखो भाई आयरन मैन के पास मानना पड़ेगा भाई तगड़ी पावर है आयरन मैन के पास। अरे भाई ये क्या भाई विस्फोट किया भाई, क्या गंदा वाला। ओके अबे भाई आयरन मैन ने एक भाई तकड़ी एक शिप गिरा दी भाई, पूरी की पूरी एक शिप डिस्ट्रॉय कर दी भाई एलियंस की भाई अभी एक ही झटके में। यहाँ पे भाई थॉर भाई हमारे गॉड ऑफ थंडर सबको भाई झटके दे रहे हैं बिजली के भाई। ये देखो झटके भाई अभी भाई एलियंस का भाई मैं बता रहा हूँ एलियंस की भाई वाट लगने वाली है एकदम गंदी वाली। हमारा भाई क्यूट स्पाइडरमैन देखते हैं भाई क्या करता है। ओ भाई भाई स्पाइडरमैन की भाई तगड़ी एबिलिटी है भाई, वो एलियंस के भाई वेपन्स को कंट्रोल कर रहा है। ये देखो मतलब उनके वेपन्स खुद वो अपने कंट्रोल में करके, और भाई भाई ये देखो सबके भाई वेपन्स ले लिए और उन पे भाई उनके वेपन्स भारी पड़ रहे हैं। ये देखो ओ भाई ये पावर्स भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये देखो ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी लगी यार मेरे को भाई। स्पाइडरमैन बस नीचे चल रहा है रोड पे एकदम शांति से, वो बस एलियंस के पास जा रहा है, उनकी गन भाई उसके कंट्रोल में ले रहा है और भाई एलियंस बस उसकी भाई बस मार खा रही है। देखो एलियंस वो सिर्फ सब सिंपली ऐसे चल रहा है, उसको भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देखो भाई ये पर्सनल फेवरेट मेरे को लगी यार ये वाली, मेरे को ये चाहिए यार कुछ भी हो जाए। भाई सब कुछ उड़ा दिया भाई, ये देखो एक झटके में सब ऐसे खिलौने की तरह भाई सब फेंक रहा है। यहाँ पे भाई हल्क और भाई कैप्टन अमेरिका एलियंस को भाई खिलौने की तरह फेंक रहे हैं। ये देखो एक झटके में एक घुसंड में पूरा दूर जाके गिर रहा है। ये देखो एक झटके में, ये देखो वो पी वाला एकदम इतनी भाई पंच में इतनी पावर है कि भाई एक झटके में तो वो मर गया भाई समझो, उसकी तो खिचड़ी बन जाएगी बेचारे की। ओके आयरन मैन हम सबको यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि वो भाई यूएफओ पे न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है मतलब छोटा सा, पर यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है भाई यूएफओ जो है वो अपने आप टेलीपोर्ट हो रहा है, मतलब उनके पास इतनी घातक टेक्नोलॉजी है कि भाई यूएफओ को वो लोग भाई एक जगह से दूसरी जगह भाई उड़ा के नहीं भाई टेलीपोर्ट करके ले जा सकते हैं। पर आयरन मैन भाई अंदर एंटर होने के लिए ट्राई कर रहा है कि शायद उसको भाई फ्रैंकलिन मिल जाए भाई, अभी भी हम भले भी कैसे भी जीत रहे हो एलियंस को मारो पर फ्रैंकलिन भाई अभी भी उनके पास है, तो हम लोग भाई फ्रैंकलिन को भाई कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। ये देखो ये टेलीपोर्ट हो गया, ये देखो आयरन मैन को भाई कुछ तो करना पड़ेगा यार इसको भाई हमारे दोस्त फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। पता नहीं ये लोग कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पर ये जो यूएफओ है वो टेलीपोर्ट हो जा रहा है। मैं यूएफओ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ,
आई रिपीट, मैं यूएफओ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं जा नहीं पा रहा, ये अपने आप टेलीपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर शायद कोई बैठा भी नहीं है, ये खाली है, ये खाली यूएफओ है, इसके अंदर कोई नहीं है। लो फिर से गायब हो गया वो। मैंने भाई यहाँ पे मिलिट्री बेस के पीछे मैंने आयरन मैन को बुलाया ये बोलने के लिए कि भाई तुम कुछ भी करो यार पर फ्रैंकलिन को ढूंढ निकालो। तो यहाँ पे भाई आयरन मैन आ गया है। बोलो माइकल क्या कह रहे हो तुम? अरे इसलिए बुलाया क्योंकि फ्रैंकलिन का कुछ भी अता पता नहीं है, फ्रैंकलिन को कुछ भी करके यार तुम ढूंढो। मेरा डाउट है कि वो यूएफओ में हो सकता है, यूएफओ पर मेरे को कहीं भी दिख नहीं रहा है, वो कहीं और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है। माइकल मुझे यूएफओ मिल गया, मैं उसमें फ्रैंकलिन को ढूंढने जा रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से लगता नहीं फ्रैंकलिन उसमें होगा। ये यूएफओ पूरा का पूरा खाली है, माइकल मेरी आवाज आ रही है, ये यूएफओ पूरा का पूरा खाली, अंदर एलियंस भी नहीं है और फ्रैंकलिन भी नहीं है। मैं यूएफओ के आर पार निकल जा रहा हूँ, इसलिए भाई अभी मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ओके मैं समझ गया, तुम्हें जो सही लगे वो करो, पर यार बस फ्रैंकलिन मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ। तेरी ये कौन आ गया भाई? चल आ जा भाई, आ जा, गन रख दे, चल गन रख दे, हैंड टू हैंड फाइट करते, चल 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 गन रख दे, चल फटाफट। माइकल मुझे एक शिप दिख रही है दूर से, यूएफओ तो पूरा खाली है पर मेरे को एक शिप दिख रही है, यूएफओ डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है पर मेरे को एक दूर एक शिप दिख रही है। मैंने एक शिप को डिस्ट्रॉय किया था और दूसरी शिप रह गई थी, बस वही पे मेरे को डाउट जा रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। माइकल कोई जवाब दो, मैं एलियंस की शिप के अंदर जा रहा हूँ। माइकल कहाँ हो तुम? मुझे फ्रैंकलिन का पता करने के लिए शिप के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा तेरे को हिंदी पता चलती है, चल अभी आ जा, चल। ओ पुत्री भाई दम तो है भाई बंदे में, अब मेरी बारी है, ले ये भी ले भाई, यार बहुत दम है यार इसमें तो। माइकल गुड न्यूज़ है, फ्रैंकलिन मेरे को मिल गया। हेलो माइकल, माइकल यार क्या कर रहा है यार तू? मुझे फ्रैंकलिन मिल गया है। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें ऐसे ले जाने आया हूँ। माइकल मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं बता दूँ, फ्रैंकलिन एकदम सेफ है, पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे मैं जैसे शिप में अंदर आया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को, शायद से शिप ब्लास्ट होने वाली है, उससे पहले फ्रैंकलिन को यहाँ से कूदना होगा। ओ तेरी, फ्रैंकलिन मिल गया? हाँ उसको बोल दो भाई कूद जाए, उसको एक पैराशूट दे दो। ये ले ओ तेरी भाई, ये बंदे में दम बहुत ज़्यादा है, ये गया। चल चल आजा आजा, ये ले ओ तेरी, ओ तेरी बहुत गंदा मार रहा है यार ये तो। अरे भाई 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 भाई, अरे फ्रैंकलिन कूदे डर क्यों रहा है? तू इतना ज्यादा भी ऊपर नहीं है, फटाफट कूद जा यार, वरना ऐसे भी तू मरने वाला है, वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन मेरी आवाज आ रही है, कूद जा। भाई मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर ये भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये ले। रुक जा अभी तो तेरे को और मार खाना है। गया? क्या फ्रैंकलिन कूद गया? क्या बात है भाई, फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया काम किया तूने। तू यहाँ पे सेफली लैंड कर दे, मैं यहाँ पे कुछ भाई मेहमानों को निपटा देता हूँ। या फिर ये निपट गया? गया क्या ये? ओ हेलो, ये जिंदा है कि मर गया? अरे कैसे पड़ा हुआ ये भाई, उसकी पूछ तो देखो एकदम साफ, एनाकोंडा है भाई उसकी पूछ। बस इतना ही था दम, खड़ा तो हो जाए यार। ये सही में मर गया क्या? ये ले, गया 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 भाई साहब, ये सही में मर गया। मेरे को भाई कोई आवाज भी नहीं आ रही बाहर कोई एलियन की।
क्या हुआ फ्रैंकलिन, तू गिर गया क्या पैराशूट पे से? मैंने भाई यहाँ पे एलियन को निपटा दिया भाई, यहाँ पे कोई भाई, सब एलियंस भी गायब हो गए, यूएफओ वूएफओ सब भाई, कुछ भी नहीं बचा, पूरा भाई मिलिट्री बेस खाली हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको टपका, ये कहाँ गया भाई? सब गायब तो हो गया पर इसकी डेड बॉडी कैसे गायब हो गई? अबे ये कहाँ चला गया? ओए माइकल, तेरी कोई बुला रहा है क्या मेरे को? अच्छा ऊपर है आयरन मैन बुला रहा है मेरे को। हाँ भाई रुक, मैं आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। सब भाई एकदम से गायब हो गया यार, उसकी डेड बॉडी भी गायब हो गई, वो भी गायब हो गया, वो कैसे हुआ भाई? पता भी नहीं चला भाई, हम जीत गए, और पक्का जीत गए ना यार, ये आयरन मैन ऊपर बुला रहा है मेरे को। ओ भाई साहब, हम लोग सही में जीत गए, और भाई एकदम मस्त हैप्पी एंडिंग वाली फील आ रही है मेरे को भाई। वो खड़ा फ्रैंकलिन, ओ भाई फ्रैंकलिन ड्राइवर दोनों साथ में ही खड़े हैं, और भाई मिलिट्री वाले